पेन भी होता है जिसको पेन वाला लैपटॉप चाहिए होता है, तो ये स्टाइलस पेन होता है, तो इसके अंदर ये जी इसका अपना जेनियन है। तो ये i5 फोर जनरेशन में डिटेचेबल लैपटॉप है, डेल वॉस्ट्रो का है, i3 फर्स्ट जनरेशन, 4GB रैम, 250GB हार्ड डिस्क के साथ ये वाला जो लैपटॉप है ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये, सिर्फ 16,000 रुपये का पड़ेगा i3 फर्स्ट जनरेशन। वीजे HDMI का भी ऑप्शन है, 500GB इसके अंदर हार्ड डिस्क है और 4GB की रैम है, टच स्क्रीन के साथ ये सिर्फ 20,000 रुपये का है। अच्छा, टच स्क्रीन है, टच स्क्रीन का लैपटॉप है और ये सिर्फ 20,000 रुपये का है। HP ProBook है, ये भी i5 फर्स्ट जनरेशन है, i5 फर्स्ट जनरेशन है, ये वाला 18,000 रुपये का है, 4GB रैम और 250GB हार्ड डिस्क के साथ HP ProBook का लैपटॉप है और 10 महीने वारंटी में, ये 10 महीने वारंटी में जी, बेहतरीन, ये तो कुछ एंटीक ही लग रहा है बिल्कुल, माशाल्लाह जबरदस्त। ये कंपनी के बारे में बताइए, i7 11 जनरेशन है और 32GB रैम है इसके अंदर और 1TB की SSD लगी हुई है और ग्राफिक कार्ड जो है इसके अंदर NVIDIA क्वाड्रो T1200। अलैकुम YouTube, मैं हूं अली असलम और आप देख रहे हैं शिपर ऑनलाइन। दोस्तों आज मैं फिर तुराबी कंप्यूटर्स पे आया हुआ हूं, जीशान भाई के पास से स्पेशल वैरायटी आई हुई थी, नया कंटेनर आया हुआ था, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊं और आप व्यूअर्स को दिखाऊं कि इस वक्त लैपटॉप्स की क्या क्या वैरायटी इनके पास अवेलेबल है और क्या क्या रेंज इस वक्त अवेलेबल है। करंटली आप कंट्री की हालत देख रहे हैं, इंपोर्ट वगैरह पे बैन है और डॉलर इतना हाइक हुआ हुआ है, तो थोड़ी प्राइसेस लास्ट वीडियो से थोड़े हाई होंगे ज़ाहिर है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि लिंक में मेरे दराज के स्टोर का लिंक मैंने दिया हुआ है, सॉरी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दराज स्टोर का लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे मोबाइल एसेसरीज़ वगैरह कवर्स वगैरह बाय कर सकते हैं विद 7-डे रिटर्न पॉलिसी। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताएं क्या क्या वैरायटी है, क्या है आप थोड़ा? अच्छा, मेरे पास न्यू स्टॉक आया हुआ है अभी, i5 फर्स्ट जनरेशन, i3 सेकंड जनरेशन, i5 सेकंड जनरेशन, i3 थर्ड जनरेशन और i5 थर्ड जनरेशन। ये कम प्राइस में, कम रेंज में, लो बजट जिनका होता है उनके लिए लैपटॉप्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये i3 फर्स्ट जनरेशन, ये i3 फर्स्ट जनरेशन है, 14 इंच का लैपटॉप है, डेल वॉस्ट्रो का है, i3 फर्स्ट जनरेशन, 4GB रैम, 250GB हार्ड डिस्क के साथ ये वाला जो लैपटॉप है ये आपको पड़ेगा 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये, सिर्फ 16,000 रुपये का पड़ेगा i3 फर्स्ट जनरेशन, जी। इसी में आपको मिल जाएगा i5 फर्स्ट जनरेशन, ये i5 फर्स्ट जनरेशन है, बिल्कुल सेम लैपटॉप, ये आपको पड़ेगा 4GB रैम, 250GB हार्ड डिस्क के साथ, चार्जर भी होगा, वेबकैम भी लगा हुआ है इसके अंदर, ये 17,000 रुपये का पड़ेगा आपको, 17,000 रुपये का पड़ेगा i5 फर्स्ट जनरेशन। ये कोर i3 फर्स्ट जनरेशन है ये वाला, ये i5 फर्स्ट जनरेशन है, सिर्फ प्रोसेसर का फ़र्क है, प्रोसेसर का फर्क जी। इसके अलावा आपको i5 फर्स्ट जनरेशन में डेल लैटीट्यूड 6410 मॉडल नंबर है ये वाला मिल जाएगा, इसके अंदर भी 4GB रैम है और 250GB हार्ड डिस्क है, इसके अंदर USB पोर्ट्स वगैरह है और CD-ROM है, वीजे है, सब ऑप्शन है इसके अंदर, और चार्जर के साथ ये वाला पड़ेगा 17,000 रुपये का, चार्जर के साथ 17,000 रुपये का पड़ेगा। हालांकि रेट बढ़ गए हैं इंपोर्ट के और लैपटॉप्स के, डॉलर का रेट भी बहुत हाई है, मगर हम आपको अभी भी पुराने रेट पे ही लैपटॉप दे रहे हैं। अच्छा, ये सेलरॉन का है फिफ्थ जनरेशन, इसके अंदर टच स्क्रीन लैपटॉप है ये, और HP का है, 9 सेल बैटरी है इसके अंदर,
और सेल बोले तो इसके अंदर एक्स्ट्रा सेल लगे हुए होते हैं। अच्छा, ठीक है। और इसके अंदर लैन, यूएसबी, वीजे, एचडीएमआई का भी ऑप्शन है। 500 GB इसके अंदर हार्ड डिस्क है और 4 GB की रैम है। टच स्क्रीन के साथ ये सिर्फ 20,000 रुपये का है। अच्छा, टच स्क्रीन है? टच स्क्रीन का लैपटॉप है और ये सिर्फ 20,000 रुपये का है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, अच्छी कंडीशन में है, मिंट कंडीशन है, अच्छा लैपटॉप है, साफ़ सुथरा। बड़ी बात है, टच लैपटॉप है जी। ये सिर्फ 20,000 रुपये में। सिर्फ 20,000 जी सर। इसके अलावा ये वाला मिल जाएगा आपको, इसकी स्क्रीन साइज़ बड़ी है, 15.6 में है। ये i5 सेकंड जनरेशन है, i5 सेकंड जनरेशन है। 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क के साथ ये वाला पड़ेगा 20,000 रुपये का। i5 सेकंड जनरेशन है जी। ये ग्लोसी सीरीज़ में आता है, जो खूबसूरत लैपटॉप जो कहलाते हैं ना, वो वाला लैपटॉप जो ऑफिस वगैरह में जी जी। अच्छा, ये HP ProBook है, ये भी i5 फर्स्ट जनरेशन है। i5 फर्स्ट जनरेशन है। ये वाला 18,000 रुपये का है, 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क के साथ HP ProBook का लैपटॉप है। सही। इसमें क्या क्या फीचर है सर? इसके अंदर 4 GB की रैम है और 250 GB हार्ड डिस्क है। अगर इसमें आप 8 GB रैम करवाना चाह रहे हैं 8 GB हो जाएगी, 500 GB करवाना चाह रहे हैं 500 GB हो जाएगी। आजकल लोग जो कहते हैं वो कहते हैं हमें हर लैपटॉप के साथ SSD चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं इसके अंदर SSD लगाना तो SSD भी लग जाएगी, 128 256। उसके जो चार्जेज होंगे वो अलग से चार्ज होंगे। सही, मतलब अपग्रेडेबल है जी। इसके अलावा हम आ जाते हैं अब इसके ऊपर, ये डेल लैटिट्यूड की सीरीज़ है, ये i5 की सेकंड जनरेशन है। इसमें i3 सेकंड जनरेशन, i5 सेकंड जनरेशन और i7 सेकंड जनरेशन, तीनों लैपटॉप्स तीनों वेरिएंट में मिल जाएंगे आपको। इसकी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सारे लैपटॉप जो रखे हुए ये सारे यही वाले लैपटॉप्स हैं, ये सबकी क्वांटिटी रखी हुई है। ये वाले लैपटॉप भी यही है, ये भी यही है, सेकंड जनरेशन, ये भी सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, सब इसके अंदर मिक्स हुए हुए, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो लैपटॉप है i3 सेकंड जनरेशन जो है वो आपको मिलेगा 18,000 रुपये का और i5 मिलेगा इसका 20,000 रुपये का। 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क के साथ चार्जर होगा, वेबकैम होगा। अगर i7 की तरफ जाएंगे तो 2,000 रुपये का फ़र्क आएगा, ठीक है। ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे लैपटॉप से, इम्पोर्टेड लैपटॉप है, नेवर यूज़ इन पाकिस्तान। इसके अलावा HP में जाएंगे तो HP की Elite Book है, i5 सेकंड जनरेशन। i5 सेकंड जनरेशन इसका मॉडल नंबर है HP Elite Book 8460। ये 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क के साथ है ये वाला लैपटॉप। ये वाला मिलेगा 20,000 रुपये का। HP के लैपटॉप में HDMI नहीं आती, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, बाकी डेल में आती है। अच्छा, ये भी 20,000 रुपये का पड़ेगा। इसके अंदर VGA पोर्ट भी है, LAN भी है, इसके अलावा USB है, CD ROM है और 14 इंच का लैपटॉप है। 14 इंच। और जो इसके अंदर वेबकैम लगे हैं वो तो सारे ओरिजिनल होते हैं। अच्छा, ओरिजिनल वेबकैम है। कंडीशन देख लें, आपको बिल्कुल मिंट कंडीशन में मिलेगी। साफ कंडीशन है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसके अलावा ये लेनोवो का है i5 थर्ड जनरेशन। इसके अंदर भी 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क है, चार्जर साथ होगा, वेबकैम है। और ये वाला जो लैपटॉप है ये वाला, इसके अंदर HDMI पोर्ट भी है, USB की 3.0 है, VGA है, इसके अलावा LAN का ऑप्शन है और कार्ड का भी ऑप्शन है। ये वाला आपको पड़ेगा 20,000 रुपये का, i5 थर्ड जनरेशन का लैपटॉप है ये। i5 थर्ड जनरेशन है और ये 20,000 रुपये का पड़ेगा, 4 GB रैम और 250 GB हार्ड डिस्क और चार्जर के साथ। इसके अलावा अगर आप डेल की तरफ जाते हैं तो ये डेल का लैपटॉप है, i5 थर्ड जनरेशन, डेल लैटिट्यूड 5430, 3434 मॉडल नंबर है इसका। i5 थर्ड जनरेशन, i3 थर्ड जनरेशन और i7 थर्ड जनरेशन, ये तीनों वेरिएंट अभी मिल जाएंगे आपको। कंडीशन बिल्कुल साफ़ है और पूरे पाकिस्तान में आप कहीं से भी मुझे ऑर्डर कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी पर, आपको कैश ऑन डिलीवरी पर मिलेगा ये लैपटॉप। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी करेंगे आप, ये i3 थर्ड जनरेशन जो है वो आपको मिलेगा 20,000 रुपये का, i5 थर्ड जनरेशन मिलेगा 21,000 रुपये का और i7 थर्ड जनरेशन मिलेगा 23,000 रुपये का। सही। बिलफर्ज कोई अपग्रेड करवाना चाहे तो आप ऑन डिमांड इसको अपग्रेड भी कर जी सकते। अगर आप डिमांड कर रहे हैं 8 GB रैम की तो 8 GB रैम हो जाएगी। इसके अंदर आप चाह रहे हैं SSD लगाना और हार्ड डिस्क दोनों साथ लगाना तो वो भी हो सकता है, क्योंकि अब चाइना की तरफ से एक CD-ROM केस आया है, तो CD-ROM केस की जगह पर हम हार्ड डिस्क लगा देंगे और हार्ड डिस्क की जगह पर SSD लगा देंगे। तो इस तरह हम लोग इसके अंदर 128 GB SSD, 500 GB हार्ड डिस्क और 8 GB रैम भी कर सकते हैं।
अच्छा, इसके अलावा पार्ट्स वगैरह भी किसी को अगर कोई चाहिए हो, अगर आपको पार्ट्स वगैरह में चाहिए हो, बैग वगैरह, चार्जर होते हैं, बहुत से लोगों को ओरिजिनल चार्जर्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओरिजिनल बैटरीज का आजकल बहुत ज़्यादा इशू है कि हमें ओरिजिनल बैटरीज नहीं मिलती, तो आपको जो बैटरी चाहिए हो, जो चार्जर चाहिए हो, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह हर चीज़ प्रोवाइड करके देंगे। इसके अलावा अगर आप बड़ी जनरेशन में जाना चाह रहे हैं तो बड़ी जनरेशन में भी बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है, जिस तरह ये i5 6 जनरेशन के लैपटॉप्स हैं, HP ProBook का मॉडल नंबर है 650G2, i5 6 जनरेशन, 8GB रैम, 256GB SSD M2, 15.6 का नंबरपैड कीबोर्ड वाला लैपटॉप है ये। इसके अंदर LAN HDMI नहीं होती, इसके अंदर VGA होती है और सीरियल पोर्ट होती है, सीरियल पोर्ट वाले लैपटॉप बहुत कम आते हैं। ये वाला आपको 52 का मिलेगा, 8GB रैम, 256GB SSD के साथ, i5 6 जनरेशन का लैपटॉप है। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको डिटैचेबल लैपटॉप चाहिए होता है कि जो स्क्रीन अलग हो जाए, तो ये i5 का 4 जनरेशन का लैपटॉप है, ये i5 4 जनरेशन है, ये स्क्रीन इसकी डिटैच हो जाती है, टैबलेट बन जाता है। ये i5 का 4 जनरेशन का लैपटॉप है, इसके अंदर SSD लगी हुई है, 128GB और 4GB की रैम है, डुअल कैमरा, एक वेबकैम यहाँ है, एक वेबकैम यहाँ है, इसके अंदर फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन है और फिंगरप्रिंट वगैरह सब है इसके अंदर। फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर, और इसके अंदर i5 4 जनरेशन है, 4GB की रैम है और 128GB की SSD है, डिटैच हो जाएगा। ये 30,000 रुपये का है जी। अच्छा, इसके अंदर जो है स्टाइलस पेन भी होता है, जिसको पेन वाले लैपटॉप चाहिए होते हैं तो ये स्टाइलस पेन होता है, तो इसके अंदर ये जी इसका अपना जेनियन है, तो ये i5 4 जनरेशन में डिटैचेबल लैपटॉप है। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें कलरफुल लैपटॉप चाहिए, जैसे रेड कलर में लैपटॉप चाहिए, तो रेड कलर में ये i5 फर्स्ट जनरेशन है, ये वाला मिल जाएगा i5 फर्स्ट जनरेशन 17,000 रुपये का। इसकी स्क्रीन साइज जो है वो 15.6 है, 4GB रैम है और 250GB की हार्ड डिस्क है जी। इसके अलावा ये गेमिंग लैपटॉप है, HP Omen Ryzen 7 बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, और 10 महीने की वारंटी भी इसकी इंटरनेशनल बाकी है, राइजन जी इंटरनेशनल वारंटी 10 महीने बाकी है इसकी। राइजन 7 है और 1TB की SSD लगी हुई है इसके अंदर सैमसंग की, और 16GB की रैम है, 16GB रैम, 1TB SSD, RTX का 3060 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, ये वाला लैपटॉप भी मिल जाएगा, और HP Omen जी गेमिंग लैपटॉप है, 144 हर्ट्ज़ की स्क्रीन है इसकी और 10 महीने वारंटी में, ये 10 महीने वारंटी में जी, जबरदस्त बेहतरीन, ये तो कुछ एंटीक ही लग रहा है बिल्कुल, माशाल्लाह जबरदस्त। ये कंपनी के बारे में बताइए, HP का ही लैपटॉप है, Omen गेमिंग सीरीज आती है Omen, ये HP Omen का लैपटॉप है। अच्छा, प्राइस बता दीजिएगा। ये पड़ेगा 260,000 रुपये का, 260,000 रुपये जी। इसके अलावा ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की वेरिएंट सारे वैरायटी अवेलेबल है, HP फोलियो भी मिल जाएगा, 1040G3, 1040G4, HP एलीटबुक मिल जाएगा, 840G5, 840G3, 840G4, 830G5 मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मैं दिखा देता हूँ, वर्क स्टेशन के बहुत से लोग बोलते हैं कि वर्क स्टेशन के लैपटॉप हमें नहीं मिलते अच्छी कंडीशन में, अच्छे लैपटॉप में, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, डेल प्रीसेशन है, 5560 i7 11 जनरेशन है और 32GB रैम है इसके अंदर, और 1TB की SSD लगी हुई है, और ग्राफिक कार्ड जो है इसके अंदर NVIDIA क्वाड्रो T1200 इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, एक्सीलेंट 10x10 कंडीशन में, जबरदस्त। और ये स्लिम लैपटॉप है, इसके अंदर ग्राफिक कार्ड है 4GB का, डेल प्रीसेशन i7 11 जनरेशन, सही। निशान भी प्राइस बता दीजिएगा। ये वाला पड़ेगा 3 लाख रुपए का, 3 लाख जी, 32GB रैम है, 1TB SSD है, i7 11 जनरेशन, डेल प्रीसेशन। गेमिंग में कुछ पड़ा है क्या? गेमिंग में ये एक लैपटॉप रखा हुआ है, इसके अलावा अभी गेमिंग लैपटॉप का स्टॉक आया नहीं है, इंशाल्लाह अनकरीब आएगा तो फिर हम आपको फिर मज़ीद एक और वीडियो बनवाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह उस अब की बार में गेमिंग लैपटॉप जो आएंगे उसकी वीडियोस बनाएंगे इंशाल्लाह।
चले निशान भाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे और इंशाल्लाह व्यूअर्स भी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी कस्टमर सर्विस भी बहुत बेहतरीन है, मार्केट में आप मशहूर हैं, तो अपना एड्रेस वगैरह समझा देंगे व्यूअर्स को कोई अगर आपसे बाय करना चाहे। मेरा एड्रेस है रीगल ट्रेड स्क्वायर में, मेन रीगल ट्रेड स्क्वायर में, रीगल ट्रेड स्क्वायर के अंदर फर्स्ट फ्लोर पर शॉप नंबर F49 और F41, दो शॉप से तुराबी ट्रेडर्स के नाम से। तो आप अगर खुद आना चाह रहे हैं आप खुद आ जाएं लेने के लिए, अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी कैश ऑन डिलीवरी पर आपको ये लैपटॉप इंशाल्लाह सेफली पहुंच जाएगा। सेफली पहुंच जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।